हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ रेडिएशन हैजार्ड्स एंड सेफ्टी। ठीक है, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्या कवर कर रहे हैं, रेडिएशन हैजार्ड्स एंड सेफ्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ मीन बाय रेडिएशन हैजार्ड्स। ठीक है, रेडिएशन हैजार्ड का मतलब क्या होता है? तो रेडिएशन हैजार्ड का मतलब है इट कॉजेज इंजरी और चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। ठीक है, अगर रेडिएशन हैजार्ड में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये क्या कॉज करता है, इंजरी कॉज करता है किसके अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, जो रेडिएशन से हमें इफ़ेक्ट्स होते हैं उसे हमें क्या बोलेंगे, रेडिएशन हैजार्ड्स। ठीक है, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को हो रहे हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हमारी बॉडी पे शो हो रही है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन रेडिएशन हैजार्ड्स। ठीक है, इट कॉजेज इंजरी, ये क्या कॉज कर रहा है, इंजरी कॉज कर रहा है, चेंजेस हो रहे हैं लिविंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिविंग टिश्यूज़ हैं उन लिविंग टिश्यूज़ में क्या हो रहे हैं, चेंजेस शो हो रहे हैं और क्या कॉज कर रहा है, इंजरी कॉज कर रहा है। ठीक है, रिजल्टिंग इन रेडिएशन सिकनेस टू द बॉडी। ठीक है, रिजल्टिंग इन रेडिएशन सिकनेस टू द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इट कॉजेज इंजरी और चेंजेस इन द लिविंग टिश्यूज रिजल्टिंग इन रेडिएशन सिकनेस टू द बॉडी। इससे क्या हो रहा है, बॉडी को रेडिएशन सिकनेस हो रही है। अब बेसिकली ये जो हमारे रेडिएशन हैजार्ड्स होते हैं, ये दो तरीके से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट कौन सा है, सोमेटिक इफ़ेक्ट। कौन सा इफ़ेक्ट है, सोमेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये जो सोमेटिक इफ़ेक्ट है गाइस, ये सोमेटिक इफ़ेक्ट क्या करेगा, डायरेक्टली हार्मफुल इफ़ेक्ट देगा किसको, पर्सन को। ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट टू दी पर्सन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सोमेटिक इफ़ेक्ट। सेकेंड जो इफ़ेक्ट होता है आपका, दैट इज़ जेनेटिक इफ़ेक्ट। ठीक है, कौन सा है, जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। ये जो हमारे जेनेटिक इफ़ेक्ट होगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड इन द पर्सन। ठीक है, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा पर्सन के अंदर। मतलब ये जो जेनेटिक इफ़ेक्ट है, ये पर्सन की अंदर रिफ्लेक्ट होगा, और जो सोमेटिक इफ़ेक्ट है, ये डायरेक्टली पर्सन के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट देगा। तो इस तरीके से ये दो टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं, सोमेटिक इफ़ेक्ट एंड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। तो हमने बात करी यहाँ पे रेडिएशन हैजार्ड्स के बारे में, क्या कॉज करता है, इंजरी कॉज करता है, चेंजेस हो जाते हैं लिविंग टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, जिससे कि रेडिएशन सिकनेस हो जाती है बॉडी को। दो टाइप के इफ़ेक्ट मैंने आपको बताए, सोमेटिक इफ़ेक्ट, जेनेटिक इफ़ेक्ट। सोमेटिक इफ़ेक्ट हार्मफुल टू द बॉडी एंड जेनेटिक इफ़ेक्ट रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कवर किया रेडिएशन हैजार्ड के बारे में। आगे इसके सेफ्टी रूल्स हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स रेडिएशन हैजार्ड्स के बारे में हम कवर करने वाले हैं। सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर रेडिएशन हैजार्ड्स, क्या होता है, किस तरीके से हार्मफुल चीज़ें कॉज करता है, कितने टाइप के इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे कैसे वो इफ़ेक्ट देता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे के दूसरे वीडियोज़ में हम रेडिएशन हैजार्ड्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।